हेलो एवरीवन, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस है उसका कलर जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में हम डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ चुके थे, ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस। ठीक है, तो देखो चार्ज ट्रांसफर जो ट्रांजिशंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ। वो है ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, एक्चुअली हमने जो डीडी ट्रांजिशंस पढ़े थे, डीडी ट्रांजिशन में हमारे पास एक ही स्पीसीज था और उसी के ऑर्बिटल्स में, लो लाइंग ऑर्बिटल से हाई लाइंग ऑर्बिटल में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो दूसरी स्पीसीज में होगा। तो देखो ये मैंने डिफरेंट टाइप बताए थे कि किस तरह से जो चार्ज ट्रांसफर है वो होता है। तो देखो सबसे पहले आता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल चार्ज ट्रांसफर। जिसको हम क्या भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं LMCT। क्या बोलते हैं, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देखो भाई दूसरा जो होता है, दूसरे को हम बोलते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। जेई और आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये नीट में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें आनी चाहिए, इस वजह से नीट वालों को भी ये पढ़ना मैंडेटरी है। अभी नहीं आ रहा है, इन फ्यूचर आ सकता है। ठीक है, तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसको हम क्या बोलते हैं, MLCT, MLCT। ठीक है, अगला जो होता है उसको बोलते हैं, तीसरा ये है इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं, इंटर वैलेंस चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। याद रखना इसे मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। और इन शॉर्ट जो इसको बोला जाता है IVCT बोला जाता है, इंटर वैलेंस चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, फोर्थ और लास्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर, या मैं इसको बोलता हूं इंटरलिगेंड। देखो क्या बोल देता हूं, इंट्रा लिगेंड पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, या इसको लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में। ठीक है, ये मोस्टली मैंने चार टाइप से आपको डिस्क्राइब किया। सबसे पहले बोला LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दूसरा बोला MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। IVCT, मेटल टू मेटल भी बोल सकते हैं या इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। लास्ट जो बोला इंटरलिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, इसको लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर भी बोला जाता है। भाई ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे LMCT और MLCT है भाई। ठीक है, तो मैं ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखो भाई एक बात और, यहाँ पे जो पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स में आपको दिख रहा है ये वाला, देखो यहाँ पे से जो ये कलर आ रखा है वो चार्ज ट्रांसफर के कारण आ रखा है। ये वाला कलर किसके कारण आ रखा है, चार्ज ट्रांसफर।
देखो कितना इंटेंस कलर है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना इंटेंस कलर है। देखो इसको, देखो ये वाले को, देखो कितना इंटेंस कलर है। तीनों को देखो कितना इंटेंस कलर है। ये वाला जो कलर आ रखा है, दूसरा वाला जो कलर है भाई, ये वाला जो कलर है वो है डीडी ट्रांजिशन के कारण। ये जो कलर है वो किस चीज के कारण है? डीडी ट्रांजिशन के कारण है। और जो डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर है वो इतना इंटेंस नहीं है। तो यानी कि जो चार्ज ट्रांसफर के कारण जो भी कलर आता है वो कलर काफी इंटेंस होता है इन कंपैरिजन टू डीडी ट्रांजिशन के। ठीक है, इसका रीजन है, वो रीजन भी मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, हमने पढ़ा था सबसे पहले, देखो यहां पे हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, तो देखो भाई ये हमारे पास जो है ये लिगेंड के ऑर्बिटल है, लिगेंड ये वाला जो है ये मेटल है, यहां पे ये वाला मेटल है और ये वाला क्या है? लिगेंड है। ये वाला क्या है? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, मतलब इसमें दूसरा। और यहां पे क्या है? ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, लेकिन ये लिगेंड का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, मींस कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल टाइप का है। तो देखो इसको बोलते हैं, देखो यहां पर से क्या होता है, यहां पर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, कहां से? यहां से ऊपर। ठीक है, तो जो एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं LMCT। ठीक है, LMCT। अगर यहां पे मेटल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं लिगेंड को ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं MLCT। क्या बोलते हैं? MLCT। ठीक है, अगर मेटल का एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं, IVCT, इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर, या इसको क्या बोलते हैं? आपको बोला था मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। अब लिगेंड का ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है, इतना बड़ा लिगेंड है कि देखो लिगेंड इस टाइम पे बहुत बड़ा है भाई, समझना है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड जिसको बोलते हैं। कौन सा लिगेंड है? मैक्रो साइक्लिक लिगेंड है, समझ में आया, गेंट लिगेंड है, बहुत ह्यूज लिगेंड है। ठीक है, तो उसी के बॉन्डिंग ऑर्बिटल से उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है, जैसे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन होता है भाई, जिसमें मैक्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, उस रिंग्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई स्टार में चले जाते हैं, जिसके कारण वो कलर शो करते हैं भाई। हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो इंटरलिगेंड इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण होता है भाई। ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे पढ़ने की बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा LMCT। क्या बोलूंगा? LMCT, यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसको मैंने क्या बोला है? LMCT। देखो भाई LMCT के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो LMCT होता ही क्या है, LMCT होता क्या है भाई। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं, यहां पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, देखो LMCT होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, किस किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स है, उसमें मेटल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है कि मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, और जो हमारे पास लिगेंड है उसके पास क्या होना चाहिए? फील्ड ऑर्बिटल्स होना चाहिए, और वो जो फील्ड ऑर्बिटल्स है वो क्या होनी चाहिए? उनकी एनर्जी मेटल की जो एनर्जी लेवल्स है उससे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो देखो, तो जो LMCT है वो एक टाइप से क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ठीक है, अब जो इसकी कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो भाई कंडीशन कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लिगेंड से जाकर के मेटल को ट्रांसफर होगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहली कंडीशन मेटल के लिए क्या है? मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, वो +3
प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स और प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए। रेयरली प्लस टू में भी पाया जाता है, लेकिन मैं उसे मेंशन नहीं करता हूं। ठीक है, सेकेंड जो लिगेंड है, जो लिगेंड है वो क्या होना चाहिए, पाई डोनर होना चाहिए। लिगेंड, लिगेंड शुड बी पाई डोनर, पाई डोनर, या इसको मैं क्या भी बोल सकता हूं, पाई बेस बोल सकता हूं, पाई बेस। देखो भाई, अब वो पाई डोनर लिगेंड होते क्या हैं, ये भी आपको पहले पूरी तरह से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पाई डोनर लिगेंड्स बोलते किसको हैं भाई। ठीक है, तो मैं आपको एक पूरा चार्ट बना देता हूं कि किसको पाई डोनर लिगेंड बोला जाता है। तो देखो भाई, आपको मैं बोलूंगा लिगेंड शुड बी पाई डोनर या पाई बेस जिसको बोलते हैं। अब ये पाई बेस होते क्या हैं, दे हैव एटलीस्ट टू इलेक्ट्रॉन पेयर समय इन डोनर एटॉम्स, और मेटल जो होगा वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। तो देखो भाई, पाई डोनर क्या होते हैं, पाई डोनर के लिए मैं यहां पे डेफिनेशन लिख लेता हूं, दे हैव एटलीस्ट, एटलीस्ट टू इलेक्ट्रॉन पेयर, टू इलेक्ट्रॉन पेयर इन डोनर एटॉम, पेयर इन डोनर एटॉम। डोनर एटम, ठीक है। तो देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बोल लेता हूं, जैसे हमारे पास जो वीक लिगेंड्स हैं, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड, वीक लिगेंड में क्या कहते हैं, देखो भाई ये क्या होनी चाहिए, वीक लिगेंड होनी चाहिए। समय जैसे एग्जाम्पल मैं बोल लेता हूं, एफ माइनस, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई इसमें, बी आर माइनस, सी एल माइनस, आई माइनस, ओ एच माइनस, एन थ्री माइनस, ओ माइनस टू, और एक और लिख लेता हूं, आई माइनस बच गया। ये सारे के सारे जो हैं, इनमें कम से कम दो इलेक्ट्रॉन पेयर तो हैं, एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन पेयर तो हैं जिसको ये डोनेट कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पाई डोनर या पाई बेस बोला जाता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैंने बोला मेटल की कंडीशन होनी चाहिए, कि मेटल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए भाई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोली, जो लिगेंड है वो क्या होना चाहिए, पाई डोनर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, पाई डोनर होना चाहिए या पाई बेस उसको बोल सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखो भाई, अब हम बात करेंगे एलएमसीटी की, एलएमसीटी की पूरी जो कंडीशंस है, हम वो सारे के सारी चीजें क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जो एलएमसीटी है उसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं भाई, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। देखो, जैसे MnO4 माइनस, ये वाला हुआ, Cr2O7 माइनस टू, जैसे हमारे पास हुआ TiCl6 माइनस टू, या VO4 माइनस टू और CrO4 माइनस टू। यहां पे आप देखोगे जो मेटल है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, प्लस सेवन है, यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है भाई, प्लस सिक्स है। अगर टाइटेनियम की बात करें तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर में है, वेनेडियम की बात करें तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम की बात करें तो यहां पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई। ठीक है, और यहां पे ओ टू माइनस जो है, यहां पे जो ओ टू माइनस एज ए लिगेंड है इन सब में, ओ माइनस टू, सॉरी, यहां पे जो लिगेंड है वो क्या है, ओ माइनस टू है भाई, यहां पे जो लिगेंड है वो क्या है, ओ माइनस टू, और जो यहां पे क्या है, पाई डोनर लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड है भाई। तो इसका मतलब यहां पे जो है किस चीज की पॉसिबिलिटी है, एलएमसीटी, लिगेंड से मेटल को जो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं किस तरह से होता है भाई। देखो, यहां पे है TiCl का होल सिक्स और टू माइनस। देखो भाई, तो यहां पे क्या है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ये आएगा ऑर्गन 18, ये 3d, और ये क्या आएगा, 4s। तो ऑर्गन में जो है ये दो, ये 22 होता है ना, तो कितना आ जाएगा, 18, 20 और 22। तो देखो भाई,
यहाँ पे ये जो है टाइटेनियम वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। प्लस फोर का मतलब 3D में भी जीरो और 4s में भी जीरो भाई, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉनों की स्प्लिटिंग होनी थी, या जो सॉरी इट मींस यहां पे जो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होनी है वो इस तरह से होनी थी भाई। ये ईजी ऑर्बिटल्स है, डबली डिजेनरेट है। ये टी टू जी ऑर्बिटल्स है जो ट्रिपली डिजेनरेट है भाई। तो ये ईजी है और ये क्या है? टी टू जी है भाई। ये क्या है? टी टू जी ऑर्बिटल्स है। तो देखो एक बात याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो डी है वो क्या है? जीरो। लेकिन लेकिन यहां पे जो हमारे पास ओ टू माइनस है एज ए सॉरी हमारे पास यहां पे जो लिगेंड है सी एल माइनस, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है भाई। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 8 हो गए हैं, माइनस भी है ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, सही है। कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो ये आएगा 17 होता है ना, तो देखो यहां पे 3p, देखो भाई Cl माइनस है, तो यानी कि इसका क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो यानी कि जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स है ये क्या है? Cl माइनस के है। तो Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होता है? यहां ट्रांसफर होता है भाई, ठीक है। तो किस तरह से बन जाएगा देखो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा भाई? देखो अब जो नीचे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बच गए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां हो गया है, ठीक है। चाहे आप उसका नॉर्मली स्पिन बदलो या ना बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर वो डाउन स्पिन का था तो ऊपर को डाउन स्पिन ही रहने दिया उसे, ठीक है। तो यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है यहां पे? मैं आपको बात कर दूं, यहां पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम 3p6 टू 3d0 ऑफ किसका? टाइटेनियम Ti+4, ठीक है। तो इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स का क्या आता है? कलर आता है। इसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं है भाई। TiCl का होल 6 और -2 देखा, और डायरेक्ट लोग क्या मारते हैं? डीडी ट्रांजिशन। लेकिन यहां पे डीडी ट्रांजिशन नहीं है, यहां पे जो ट्रांजिशन है उसको क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है, ठीक है। देखो भाई ये जे के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं इसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, अगर हमारे पास देखो, अगर ये मेरे पास मेटल है और ये मेरे पास लिगेंड है, सही है। तो देखो यहां से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लिगेंड से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें होता है? मेटल में। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं LmCt एनर्जी। क्या बोलते हैं? LmCt एनर्जी। और इस LmCt एनर्जी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। इस LmCt एनर्जी पे ही क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अब मैं बोलता हूं, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखो इन ग्रुप की बात करता हूं, इन ग्रुप LmCt एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो देखो भाई मेरे पास, मैंने ले लिया क्रोमियम वाला ग्रुप, ले लेता हूं। ये मेरे पास है Cr(O4-2)। एक मेरे पास है मॉलिब्लेनम, क्रोमियम के ग्रुप में मॉलिब्लेनम आता है ना, O4-2, और देन लास्ट में क्या आता है? टंगस्टन WO4-2। तो देखो ये बोलेगा कि एमएल सॉरी ये बोलेगा कि LmCt जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है डाउन टू द ग्रुप। तो देखो भाई क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास लिगेंड फिक्स है, O-2 लिगेंड है, ठीक है। अब बात आती है, देखो ये वाला जो है ये 3D ट्रांजिशन मेटल है, ये 4D है और ये वाला क्या है? 5D है। तो देखो सबसे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है वो 3D में ज्यादा है,
संघनन इसका मतलब सबसे ज्यादा जो स्टेबल हो 3D ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या बढ़ती है, क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। संघनन अगर ये 3D है याद रखना, तो इसके बाद जो एनर्जी ज्यादा होगी वो 4D की होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 5D की। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां होना है, यहां पर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऊपर वाले में होना है 4D में, और देन लास्ट में किस में होना है, 5D में होना है। तो बताओ भाई सबसे ज्यादा जो LMCT एनर्जी है वो किसके लिए है, यानी कि 5D के लिए है। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं ग्रुप में जाता हूँ, डाउन टू द ग्रुप जाता हूँ, तो जो LMCT एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। LMCT जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी भाई। ठीक है, तो देखो LMCT एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब मैं बोलता हूं अलोंग पीरियड जाता हूं तो क्या होता है, अलोंग पीरियड, तो अलोंग पीरियड की बात मैं कर लेता हूं। देखो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंने लिया वैनेडियम, फिर उसके बाद क्या लिया क्रोमियम, और फिर उसके बाद क्या लिया मैग्नीज, Mn, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने कहा प्लस 3 ये भी है, प्लस 3 ये भी है, लेट अस सपोज, हाँ होता नहीं है पर मैं मान लेता हूं। ठीक है, और मेरे पास यहां पे जो लिगेंड है वो क्या है, ओ माइनस टू तीनों में है, ओ माइनस टू तीनों में, यहां पे जो मेरे पास लिगेंड है वो क्या है, ओ माइनस टू, ओ माइनस टू लिगेंड है। ठीक है, तो देखो भाई देखो देखो, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हैं भाई, लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हैं, तो एक बात याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसका मतलब जो एटम है वो स्टेबल हो गया है। तो देखो बहुत ध्यान से रखना, देखो मैग्नीज जो है उसका साइज सबसे छोटा होगा, देखो ये Mn है, इसका ऑर्बिटल ऊपर हुआ, फिर उसके बाद क्या आएगा, क्रोमियम का थोड़े नीचे होगा, और Mn जो है उसका साइज यानी कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हो गया है वो क्या हो गया भाई, वो इंक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो देखो भाई ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी गैप है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो गैप है वो किस में है, वो किस में है, वेनेडियम वाले में है। तो यानी कि अगर हम लेफ्ट से, देखो अगर हम लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट इसका मतलब पीरियड की बात कर रहा हूं, पीरियड्स में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, जो हमारी LMCT एनर्जी जो है वो क्या कर जाती है भाई, LMCT एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है समय। लेकिन अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं, ग्रुप अप टू बॉटम बोलते हैं, ग्रुप में अप टू बॉटम, अप टू बॉटम जाते हैं भाई, तो अगर अप टू बॉटम जाऊंगा तो जो LMCT एनर्जी है वो क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, तो देखो एक चार्ट में आपके लिए पूरा बना देता हूं भाई, इसका एक चार्ट में आपके लिए बना देता हूं, देखो एक चार्ट में आपके लिए बना देता हूं, VO4 -3 वैनेडियम के बाद निबोनियम Nb -3 टैंटालम, तो देखो भाई अगर हम ध्यान से रखना, ये ग्रुप है, अगर डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो जो LMCT एनर्जी है, LMCT एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और दोबारा देखो अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, देखो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, +6 है, और +7 है। जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो गया इसका मतलब स्टेबिलिटी गेन हो गई है भाई, और स्टेबिलिटी गेन हो गई है तो जो एनर्जी का डिफरेंस है, देखो अगर मैंने क्या बोला, ये हमारे पास दो ऑर्बिटल, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +6 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो देखो भाई ये हमारे पास लिगेंड है, लिगेंड सेम ही है, मैंने ओ माइनस टू बोल दिया है ये वाला, ठीक है, लेकिन ये +6 वाला है समय, जैसे हम +7 में गए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद क्या हो गया,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसके कारण साइज छोटा हो गया, साइज छोटा होने के कारण स्टेबिलिटी गेन हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज बढ़ता है तो एलएमसीटी एनर्जी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। देख लो यहां पे एनर्जी गैप जो है वो छोटा है, और यहां पे जो एनर्जी गैप हो है वो क्या है, बड़ा है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर लेफ्ट से राइट गए और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो जो एलएमसीटी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एलएमसीटी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये नॉर्मल था कि किस तरह से एलएमसीटी एनर्जी इंक्रीज होगी और एलएमसीटी एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरह से लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है भाई, ठीक है। ये वीडियो शायद काफी लंबी हो गई है तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको एमएलसीटी और बाकी जो चार्ज ट्रांजिशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।